देखो फोर्स हैज डन सम वर्क ऑन द बॉडी, याद रखा गया ना, वर्क किसने किया? अगर इस फोर्स को डूअर ऑफ वर्क कहते कोई हर्ष तो नहीं कह सकता हूं भाई, वर्क किया ही फोर्स ने, डिस्प्लेसमेंट तो नतीजे के तौर पर कवर हुआ है, वर्क तो फोर्स ने किया ना, फोर्स डूअर ऑफ वर्क है। अब फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुमने? फोर्स इज अ सब्जेक्ट, मालिका का फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, और ये करा है ना, फोर्स इज एन एजेंट, बुक में लिखा तुम्हारी फिजिक्स की, एजेंट जो लिखा है जो काम करने वाले को क्या कहते हैं, एजेंट ही तो कहते हैं। अगर सब्जेक्ट कहते होते तो फिजिक्स की किताब में लिखा होता फोर्स इज अ सब्जेक्ट, मालिका फोर्स इज एन एजेंट। अब ग्रामर की बुक में देख लेना एजेंट की डेफिनेशन यही, ठीक है। ग्रामर की कौन सी बुक है? ऑक्सफोर्ड। आप डिक्शनरी भी देख लेना, वो भी जाते, लेकिन मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड, वेरी गुड, बाय जॉन ईस्टवुड, पेज नंबर 132। अब ये किताब कहाँ से आई? कहीं ऑफिस में रखी हो? ये कॉपी की इंग्लिश रखी है, वो टेक्स्ट बुक ग्रामर की जॉन ईस्टवुड, हो सकता है नहीं तो बुक स्टोर में जाना, कह रहा भाई जॉन ईस्टवुड की बुक है, फिर यहाँ है आपकी ये दिखाओ, बस देखते ही 132 खोल देना। हाँ सर, नहीं बात, what is the sentence about subject, agent, doer of action, object, doer of action, सब लिखा हुआ है, पढ़ लिया, writer कौन है, John Eastwood, English writer, वही के साथ बंद करो, कहना भाई कितने की 800 की नहीं चाहिए, हाँ, फिर बनी 800, सुबह फिर, इज्जत भी रह गई, काम भी हो गया, है ना, भाई confirm भी हो गया, किताब भी पढ़ ली आपने, और बेइज्जती भी नहीं हो, वरना Google पे जाना, Google पे जाकर लिखना, Oxford Practice Grammar by John Eastwood / free download. Enter करोगे पूरी किताब तुम्हारे लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी फ्री में, 350-400 पेज की, ठीक है। अब जब ये डाउनलोड हो गई तो देखना मोबाइल पे डाउनलोड हुई है तो पेज नंबर 141 है, लैपटॉप पे डाउनलोड हुई है तो पेज नंबर 140 है, गर्ल्स ये कि चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, पहले पेज पर ये सब कुछ लिखा है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे और एजेंट किसे कहते हैं, तो ये प्रूफ है, घर जाके चेक कर लो, ठीक है, चेक जरूर करना और ना मिले तो लेकर आ जाना, मैं निकाल के दे दूंगा, हाँ ठीक है, अब देखने जाके वरना ले आना, मैं बता, अब सुनो गौर से, देखिए बात ये है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो, लव सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होने की, एजेंट का मतलब काम करने वाला होगा भाई, पासपोर्ट बनवाने जाओ एजेंट से मिलोगे ना, वो काम करने वाला तो वो है, आपसे पैसे लेने वाले हैं, शांति कार्ड बनवाने जाओ एजेंट के पास जाओगे, वो एजेंट जब कंप्यूटर फोन के बैठा होगा आप उसे कहते जाओगे वो करता है काम, तो वो कर रहा है आपको खाली फीस दे या डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है, काम तो वो कर, एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट काम कर, एजेंट को उस पर फाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला, फेल करने वाला, फेल सर अंजाम दे दो, ठीक है, ये गलत फहमी दूर कर दो, सब्जेक्ट का मतलब होता है मौजू, व्हाट इज द सब सेंटेंस अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है वो उस सेंटेंस का मौजू है ना, जैसे द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट, इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है नहीं, तो डूअर ऑफ एक्शन भी नहीं है ना, अब डूअर ऑफ एक्शन अगर सब्जेक्ट को कहते हैं तो आप कह दें इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर तो ये सेंटेंस ही नहीं है, ये सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस होता नहीं है, सब तब हो गया ना, अब सही डेफिनेशन पर आओ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इस जुमले का मौजू तो ये है,
अब सब्जेक्ट के बगैर कोई जुमला नहीं बन सकता, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, एक बात करके दिखाओ बगैर मौजू के। क्या बगैर मौजू के कोई बात कर सकते हो? कोई बात जिसका कोई मौजू ना हो, मुमकिन बात ही नहीं होगी जब मौजू ही बात कर। मैंने कहा तुम तकरीर करो, आपने अच्छा तकरीर करने के लिए आगे माइक पकड़ लिया, मौजू बनाए। मैंने अपनी मौजू बोली, अपनी मौजू नहीं होना चाहिए, बगैर मौजू के एक जुमला नहीं हो सकता, बगैर उन्वान के कोई बात कर सकते, बगैर सब्जेक्ट के कभी सेंटेंस। अब बना के दिखाओ बगैर सब्जेक्ट के। अरे सही बताओ, देखो अगर नहीं अब एक जुमला आएगा दिमाग, ओपन द विंडो, सेंटेंस है कंप्लीट, इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। अगर वो वाली बात करें ना कि डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट कहते हैं, दो मिनट के लिए मान लो, तो इस सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन है नहीं। अब जो लोग ये पढ़ाते हैं ना कि डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं यहाँ भी है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन है, हिडन है। वही हिडन कोई चीज नहीं होती, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ हिडन वर्ड्स नहीं है। वर्ड कहेंगे उसे जो बोला जाए या लिखा जाए, जो मैं बोला जा रहा है ना लिखा जा रहा है, वो वर्ड कैसे कहलाए, जो वर्ड नहीं है वो सेंटेंस का हिस्से नहीं है। ये हिडन मीनिंग कुछ नहीं होता, सीधा सीधा बताओ इसमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, यानी एजेंट नहीं है, तो एजेंट के बगैर तो सेंटेंस बन सकता, मैंने पता नहीं बन सकता, सब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकता। सब्जेक्ट क्या है तो मुझे बताओ, ओपन द विंडो, ये जुमला किस चीज के बारे में, सब्जेक्ट है ना यार, किसने कहा सब्जेक्ट है, जुमला किसके बारे में, कंफ्यूजन एक बात तो ये कि सब्जेक्ट कभी भी, सब्जेक्ट जब होगा ना या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तीसरी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। अब जब हम कहेंगे वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए थे, जवाब आएगा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, सब्जेक्ट क्या है, सुन लो सुन लो, टू स्कूल एडवर्ब है, आई वेंट देयर, देयर क्या एडवर्ब है और सब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं, यहाँ सब्जेक्ट आई है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, मैं स्कूल गया, who went to school, I went there, to school, who school एडवर्ब है, सब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं हो सकता, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन, सीधी बात है, उत्तर भी लगाऊंगा, डालना जरूरी है, हर चीज काम की, अननेसेसरी कोई चीज नहीं। बेटा हमेशा याद रखो, अब तुम यहाँ भी पढ़ रहे हो, अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां भी मिस स्कूल मिस इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, मिस इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मिस इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बाकी मिस इंग्लिश पढ़ोगे ना
ऊपर चलेगा तो बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां डिफरेंट मिलेंगी। जैसे ये कहा दो तरीके से, मैंने क्या कहा बगैर प्रूफ के, कोई बात या तो उनसे प्रूफ मांग लो, लॉजिक मांग लो, एग्जाम्पल मांग लो, ना मिले उस बात को छोड़ दो। दूसरा तरीका अदब एहतराम का, वो जो कह रही है सुन लो, मानो वो जो मैं कह रहा हूँ, उनसे बहस नहीं हो। अगर अपनी ग्रामर सीधी रखी ना और सही रखी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फॉलो करते रहो, बाकी दुनिया में जो कुछ भी सुन रहे हो ना वो सुन सुन के खामोश हो, उस पर यकीन करो। ये ग्रामर हर शब्द की हंडियाओं पर आता है घर में और लागू दे देता है, ये चार दिन तैयार हो, नई नई रेसिपी देती है, नई नई कॉन्सेप्ट। मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ देखो मुझसे जब भी प्रूफ मांगोगे मैं इंग्लिश राइटर का प्रूफ दूंगा, इंडियन और पाकिस्तानी राइटर का प्रूफ दूंगा ही, मैं तो बेबी करोगे पढ़ा रहा हूँ, मैं दूंगी पढ़ा रहा हूँ, रेस ने पढ़ाया जो रेस ने बताया वो पढ़ा, अपनी बनाई हुई इंग्लिश नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, धीरे धीरे पढ़ा इसके ऊपर चलते रहो, बाकी दुनिया की सुनते रहो, मानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर सीधा रखना है ग्रामर कंफ्यूज हो रहा है तो उनकी मान लो मेरी मान लो, उसके बाद फिर हमारा काम करना होगा। अब देखो भाई सब्जेक्ट डिफाइन हो गया, वर्ब की बात हो गई है ना, अब तीसरी चीज पे आ गए, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है रिसीवर ऑफ एक्शन, इसका मतलब जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ, पहले तो एक्शन होना चाहिए फिर ऑब्जेक्ट होगा, एक्शन ही तो ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। फिर भी बात ये ऑब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है, या तो वर्ब का होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है, जैसे आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। यहां पे स्कूल ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रीपोजिशन का, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जरूर है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इस वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। तो लव्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, लव्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, लव्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। सुनो मैंने कहा भाई अगर कब उधर तुम्हारे हाथ में गन दे दी और गन लेकर कहा मैंने टारगेट लगा, मैं टारगेट कहा है इस चीज का निशान हूं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बता दी भाई ये ऑब्जेक्ट है, बस मेरा ऑब्जेक्ट है ना, बोली ठीक है। ऑब्जेक्ट कहते ही टारगेट को, वर्ग जिस चीज को टारगेट करेगा वो वर्ग का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ प्रीपोजिशन टारगेट कर रहा है इसको, वर्ग को भी टारगेट कर रहा है, ठीक है। ये वाली बात बाद में करेंगे, ये वाली बात अभी समझा, फिलहाल ये फोन में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ, इतना फोन में आ गया। अगर एक आसान सी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा या तो व्हाट का आंसर होगा या हुम का आंसर होगा, व्हाट मींस क्या, हुम मींस किसको, किसे, ठीक है, सही है। अब सुनिए अगर ये बात समझ आ गई तो आगे चलते, और हर बात रिकॉर्ड हो रही है, यानी कहीं कॉन्ट्रडिक्शन मिले मैं तो देना सर आपने कल को ये कहा था आज ये कह रहे हैं। सुनो इसको ले देखो, ही इज
सीटिंग है ना She was reading a book. I enjoyed your picnic. He will invite us to the party. Tomorrow, his father will beat him with a stick. Picked it up. My grandma told me a story. ठीक है भाई अब जरा तो उधर इन सब में सब्जेक्ट तो होगा एजेंट भी होगा सब में एक्शन ही इज ईटिंग एन एप्पल एजेंट कौन है जो ये एक्शन कर रहा है एजेंट है ये सेंटेंस है किसके बारे में किसी के बारे में एजेंट ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी है यहां इस सेंटेंस ठीक है अच्छा अब सुनो शी वॉज रीडिंग अ बुक एजेंट कौन है एक्शन इसने किया सेंटेंस किसके बारे में किसी के बारे में Who was reading a book? She. Is he on the bar? I enjoyed the party. I agent diye. I enjoyed nahi kiya. Aur I ke bare mein hi baat kar raha hu. Who enjoyed the party? He will invite us. Who will invite us? He. Agent diye. Aur yahan agent hi subject hai. Aksar agent hi subject of the sentence hota hai. हमेशा नहीं अक्सर क्या आगे चलकर और मजीद बताऊंगा इस बारे में His father will beat him with a stick. Who will beat him with a stick? Agent है. Action ये करेगा. और दूसरा इसी के बारे में. My grandma told me a story. Who told me a story? Agent है. और इसी के बारे में बात हो रही. भाई यार बात समझ आ गई? एजेंट भी है और सब्जेक्ट भी है एजेंट इसलिए कि वो और एक्शन ले लिया और सब्जेक्ट इसलिए कि एक्शन सब्जेक्ट इसलिए कि जुमला इसी के बारे में अगला जुमला देखना दिस पोएम इज रिटन इन माय वर्ड्स अब एजेंट कौन है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो ये है इसके बारे में बात होगा भाई अब जरा तवज्जो अगली बात ऑब्जेक्ट क्या होता है रिसीवर ऑफ एक्शन रिसीवर ऑफ एक्शन यानी या तो वॉच का आंसर होगा या हूम का आंसर होगा सही है अब मैं बता दूं एक्शन वर्ब पे आके रुको एक्शन वर्ब पे आके रुको ही इज ईटिंग व्हाट व्हाट का आंसर है ऑब्जेक्ट कहलाएगा यस ऑब्जेक्ट शी वाज रीडिंग व्हाट व्हाट का आंसर है ऑब्जेक्ट आई एंजॉय व्हाट द पिकनिक व्हाट का आंसर है पूरा द पिकनिक ऑब्जेक्ट ही विल इनवाइट हूम हूम का आंसर है वो इनवाइट करेगा किसको हमें ये भी ऑब्जेक्ट इसके लिए व्हाट का आंसर है ना
His father will beat whom? Him. Whom का आंसर है? Object. ठीक है? My grandma told whom? Me. Whom का आंसर भी है? My grandma told me what? What का आंसर भी है? दो दो object हो सकते हैं. ठीक है? आगे क्या आता है? What is written by Wordsworth? Objective. अब यही word subject भी है, यही object भी है. Object के बारे में बात हो तो object क्या होगा? Subject का sentence.